हेलो जी, वेलकम बैक टू फर्स्ट हैंड रिएक्शन। सलाम नमस्कार एंड सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ केजीएफ मूवी के कुछ टॉप डायलॉग्स के ऊपर। मूवी तो आपने देखी होगी, बहुत ज़बरदस्ती। मैंने दिसंबर 2018 में ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन भी दिया था जब मूवी आ रही थी तब। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं केजीएफ मूवी टॉप डायलॉग्स, रॉकिंग स्टार यश जो मूवी का हीरो था उसके कुछ टॉप डायलॉग्स है, उसके ऊपर रिएक्शन देंगे। इस मूवी की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, मैंने देखी थी, बहुत ही अमेजिंग है। मुझे बहुत वेट है इसके चैप्टर टू के ऊपर, ये चैप्टर वन के डायलॉग है। चैप्टर टू नेक्स्ट ईयर में आएगा, सो अभी इसके डायलॉग के ऊपर रिएक्शन देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही गुजारिश होता है कि ऊपर कार्ड में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले कोई मारा तो तेरे जैसा ढूंढेगा, तुम्हारे जैसा डॉग ढूंढेगा। और ये साउंड बहुत के क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया और ये मुझे डायलॉग सुनने को, घायल शेर की सांसें। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं विलन। शेट्टी बंबई का बादशाह। क्या चाहिए रे तेरे को? दुनिया। अगर तुझ में हिम्मत हो कि हजार लोग तुम्हारे पीछे खड़े तो तुम सिर्फ एक जंग जीतोगे। अगर हजार लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम सामने खड़े हो तो तुम पूरी दुनिया जीत जाओगे। नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं। मुझसे वादा कर तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत तुम दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। पावर है तू ही पैसा है। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, डायलॉग्स मुझे काफी जबरदस्त लगे थे। जब ट्रेलर आया था तब भी मैंने बताया था, अगर आप ट्रेलर का रिएक्शन नहीं दिया तो आप चैनल के ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हैं। दिसंबर 2018 में मैंने रिएक्शन दिया था, बहुत ही अमेजिंग लगी थी। एंड टेलर टू के ऊपर मेरे रिएक्शन था, टेलर वन के ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं था बिकॉज मैं लेट हो गया, तो टेलर टू आया था नहीं आ रहा, तो मैंने टेलर टू के ऊपर रिएक्शन दिया था। एंड जब मैंने मूवी देखी थी, मूवी तो दिसंबर में रिलीज हुई थी बट मैंने फरवरी में देखी थी, नेट पे HD क्वालिटी में आई थी, अच्छा प्रिंट आया था फरवरी में, मतलब 2 महीने के बाद तो मैंने देखा था। सो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहा हूँ चैप्टर टू को, क्योंकि ये चैप्टर वन था और चैप्टर वन बहुत ही अमेजिंग है। मैंने अभी रिसेंटली ही विलेन की स्टोरी सुनी जो चैप्टर टू में, जो संजय दत्त मतलब विलेन है चैप्टर टू में। पहले में तो अजीरा था जो, उसका नाम यार जैन से निकल गया, मैं कल ही उसका इंटरव्यू देख के आया हूँ। और चैप्टर टू में जो है, चैप्टर टू में फिर संजय दत्त होगा जो बहुत ही संजू बाबा बहुत ही अमेजिंग एक्शन लेके आएंगे, क्योंकि उनको फर्स्ट लुक आया, पोस्टर आया तो बहुत ही अमेजिंग पोस्टर है।
चैप्टर टू बहुत जल्दी आई थिंक 2020 के अप्रैल मई में रिलीज होगा, क्योंकि संजय दत्त ने कुछ टाइम संजय दत्त और जो चैप्टर वन का विलन था और उनकी इंटरव्यू में मैंने सुना था कल परसों मैंने सुना था, उन्होंने बोला कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगी। विलन ने जब बोला जब आप चैप्टर टू देखेंगे तो आप चैप्टर वन भूल जाएंगे, चैप्टर वन से चैप्टर टू काफ़ी बड़ा है। इंडस्ट्रिकली ये यश एक्टर बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, इसी तरह मूवीज बॉलीवुड में आए तो बहुत, बट बॉलीवुड में से मूवीज नहीं आती, साउथ इंडियन मूवीज इसी वजह से सुपर हिट होती है, क्योंकि तभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। याद आया कि दिसंबर में आई थिंक पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हुई थी चैप्टर वन KGF का, बट मैंने नहीं देखा था, मुझे अभी याद आया, क्योंकि आई थिंक फरवरी के बाद जब फरवरी में पाकिस्तान इंडिया के हालात ख़राब हुए थे तब से मूवीज़ बैन है, तो दिसंबर में मूवी आई थी रिलीज हुई थी पाकिस्तान में, मैंने अभी देखा और मुझे याद आया, बट मैंने देखी थी लैपटॉप में, मैंने डाउनलोड करके देखी थी क्योंकि मैं बिजी होता हूँ, मुझे टाइम नहीं होता मेरे पास, तो इस वजह से। एंड आई थिंक द चैप्टर टू इज़ अ वेरी अमेजिंग फॉर एवरी फैन, एवरी यश फैन, जो यश के फैंस हैं, तो हम उसका वेट करेंगे। तो यार डायलॉग्स की बात करें तो बहुत ही अमेजिंग डायलॉग्स मुझे लगे, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और दोनों जगह पे मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक मिलेगा आपको, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, सब्सक्राइब कर सकते, आज के लिए इतने का भी मिलते हैं।